फ्रेंड्स, आपको इस वीडियो पे दो डेमो मिलने वाले हैं लैपटॉप के स्क्रीन पे लाइव वीडियोस रिकॉर्डिंग। एक प्रेजेंट सरप्राइज मिलने रहने वाला है, कंपनी ने अपने एक इंटरफेस डैशबोर्ड को एक न्यू लुक दिया है यूज़र फ्रेंडली। उसका आपको काफ़ी पॉइंट्स मिलने वाले हैं, जैसे कि NDR हुआ, कैश ऑन डिलीवरी, रिकमेंडेशन इंजन, प्लस उसका वैलेट कैसे काम करता है, उसको कैसे साइनअप करने का, उसका KYC कैसे सबमिट करने का, उसका कितना प्राइसिंग है, उसका आपको बेसिक ओवरव्यू मिलने वाला है। प्लस जैसे मैंने कहा, डिलीवरी डैशबोर्ड का आपको लाइव ट्यूटोरियल मिलने वाला है इस वीडियो पे। तो आपको ब्रॉडर पिक्चर में जितना इन्फॉर्मेशन ज़्यादा रहेगा ना, उतना आपको ईजी रहेगा अपने ई कॉमर्स शिपिंग सोल्यूशंस को डिसाइड और चॉइस करने के लिए, और उसको ऑप्टिमाइज और मैक्सिमाइज करने के लिए। ये भी चैनल और वीडियो का पर्पस है। फ्रेंड्स, इस वीडियो पे आपको चार चीज़ें आपको करनी है, लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। मैं आपको बाद में भी याद दिलाऊंगा, अगर आप भूल गए तो मेरे को पता है आप भूलोगे नहीं, लेकिन फिर भी। तो फ्रेंड्स, आपको जैसे मैंने कहा, इस चैनल पे दूसरे वीडियोस मिलेंगे। ये देखो आई बटन आपको दिखा, इसको क्लिक कर देना, इस वीडियो के बाद ही ना, ताकि इस वीडियो के पॉइंट्स आप मिस ना कर सको, ताकि आपको फुल पिक्चर मिल जाए। आपको इस चैनल पे ना दूसरे वीडियोस देख लेना, ताकि आपको क्या जितना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन रहेगा, उतना आपको कॉन्फिडेंस रहेगा अपने ई कॉमर्स शिपिंग सोल्यूशन को मैक्सिमाइज और ऑप्टिमाइज करने के लिए। ये भी इस चैनल और वीडियो का पर्पस है। तो फ्रेंड्स, आइए शुरू करते हैं। लैपटॉप के स्क्रीन पर प्रेजेंट कंपनी लाइव डेमो ट्यूटोरियल प्लस डिलीवरी का ट्यूटोरियल, एक छोटे से एजुकेशनल ब्रेक के बाद। तो फ्रेंड्स, आपको लॉगिन करने के बाद पहले हम शुरू करते हैं, वापस आपका स्वागत है इस चैनल और वीडियो पे, जहाँ पे हम पहले हम डिलीवरी डैशबोर्ड का देखेंगे, फिर एक प्रेजेंट सरप्राइज, एक न्यू इंटरफेस वाले एक पॉपुलर और अच्छे बेनिफिशियल डैशबोर्ड के बारे में ओवरव्यू देखेंगे। तो पहले आते हैं डिलीवरी के डैशबोर्ड पे। आपको लॉगिन करने के बाद आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, डोमेस्टिक शिपमेंट, इंटरनेशनल शिपमेंट। आपको डोमेस्टिक शिपमेंट में गो टू डैशबोर्ड को क्लिक करने का है। उसको क्लिक करने के बाद लेफ्ट साइड पर देखिए एक कॉलम है, उसमें आपको चूज, ये देखो नीचे से क्लिक किया तो खुल जाएगा। उसको नंबर 6 पे वॉलेट है, उसको क्लिक करने का है। ये वॉलेट में आपको एक बेसिक फीचर दे दूंगा, ताकि क्या वॉलेट एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, जहाँ पे पैसा मिसयूज़ नहीं हो जाए, वेस्ट नहीं हो जाए। तो वॉलेट में आने के बाद आपको देखो यहाँ पे ऊपर करते रिचार्ज ऑप्शन मिलता है, और देखो यहाँ पे बैलेंस भी दिखता है, यहाँ पे कितना बैलेंस है। तो वॉलेट का बैलेंस जो होता है, वो उसका जो यूनिट है वो माइल्स के रूप में, मतलब अगर आप 50 रुपये डालोगे तो उसका मतलब 50 माइल, तो 1 रुपये मतलब 1 माइल। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना कि जो आप पैसा वॉलेट में डालोगे, वो आप पैसा अपने वापस बैंक अकाउंट में रिफंड नहीं कर सकते हो, क्योंकि एक बार आपने वॉलेट में पैसा डाल दिया तो वो डिलीवरी अकाउंट का ही पैसा हो जाता है, चाहे उसको यूज़ करो या ना यूज़ करो। तो ये जैसे मैंने कहा, ये वॉलेट का ऑप्शन आ जाता है, वॉलेट के बैलेंस सेक्शन आ जाता है। फिर उसके बाद वॉलेट में देखो तीन चीज़ें, डिडक्शन, रिचार्ज और रिफंड। तो डिडक्शन में ये देखो रिफंड का नीचे आ जाता है। तो हर एक आपको रिफंड का मतलब है, जो पैसा, ये नहीं मतलब है कि आपका पैसा वॉलेट से रिफंड होकर आपके बैंक अकाउंट में आ सकता है, वो पैसा मतलब जो आपका ऑर्डर आपका पिकअप के पहले कैंसिल होता है उसको रिफंड कहते हैं। उसके बाद रिचार्ज सेक्शन पे आ जाते हैं, रिचार्ज मतलब जो जो आपने रिचार्ज किए हैं उसका पूरा आप रिकॉर्ड रख सकते हो, कि आपने कौन सा कितने बजे क्या क्या UTR से या क्या बैंक डिटेल से, और उसका स्टेटस क्या है, वो कंप्लीट रिचार्ज हुआ कि नहीं या रिचार्ज फेल हो गया, उसका आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलता है। फिर डिडक्शन मतलब कितना पैसा आपका ऑर्डर के लिए कटा है, मतलब क्या क्या आपने ऑर्डर दिए उसमें से कितना पैसा, कितने वजन के मुताबिक, कौन से ऑर्डर टाइप था, फॉरवर्ड ऑर्डर था, रिवर्स ऑर्डर था, ये सब स्टेटस मिलता है। तो ये वॉलेट के तीन ऑप्शन हैं आपको मिल जाते हैं। आपको वापस बता देता हूँ, डिडक्शन मतलब कितना पैसा ऑर्डर के लिए कटा। फिर सेकंड सेक्शन रिचार्ज मतलब कितना पैसा आपने रिफिल किया है। रिचार्ज के मामले में मैं आपको बता दूं कि अभी 50 रुपये रिफिल कर सकते हो, लेकिन मिनिमम कुछ 200 रुपये बैलेंस होना चाहिए। देखिए इसमें 123.26 पैसा है, तो इतना सफिशिएंट नहीं है, तो वो लोग को कम से कम 200 होना चाहिए। अगर मैं कुछ 80 रुपये और डाल दूं तो मैं ऑर्डर दे सकता हूं। और नेक्स्ट आते हैं रिफंड, लास्टली रिफंड सेक्शन। रिफंड सेक्शन का मतलब है कि कितना पैसा आपका ऑर्डर कैंसिल, पिकअप के बाद, पिकअप के पहले कैंसिल होने पे जो आपका पैसा रिफंड आ जाता है ना, उसे रिफंड कहते हैं। तो वैसे ये बेसिक ओवरव्यू था रिफंड का, वॉलेट का, डिलीवरी का, ताकि आप इंपॉर्टेंट ध्यान रख सको। अभी नेक्स्ट आ जाते हैं। तो फ्रेंड्स, वापस स्वागत है। अभी हम आगे बढ़ते हैं दूसरे एक डैशबोर्ड के बारे में, जो कि काफ़ी नया है और काफ़ी उसके इंटरफेस में लुक में न्यू चेंज है, और काफ़ी बेनिफिशियल मुझे लगता है, लेकिन मैंने यूज़ नहीं किया है जितना मेरा आइडिया है मेरा। लेकिन ये वीडियो इसलिए है कि आप दोनों डैशबोर्ड देख सको, ताकि आप चॉइस कर सको करेक्टली आपके ई कॉमर्स सोल्यूशन के लिए। तो इसका डैशबोर्ड, इस लॉजिस्टिक्स कंपनी का नाम है E-Desh पैनल।
E-Desh पैनल और वेबसाइट का नाम है edeshlimited.com। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन पे देखना अगर आपको मिल गया तो E-Desh लिमिटेड का जो पैनल है वो भी एक ई कॉमर्स लॉजिस्टिक्स कंपनी है। लिखा है कि वी हैव अ नेशन वाइड कवरेज अक्रॉस 864 डिस्ट्रिक्ट्स इंक्लूडिंग द मेजर मेट्रोपॉलिटन्स एंड डिविजनल सिटीज़। क्यों 64 डिस्ट्रिक्ट्स को कवर करता है और मेजर जो मेट्रो सिटीज़ है ना, जैसे मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, अहमदाबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, वो उनको भी कवर करता है। और डिविजनल सिटीज़ जैसे कि ना छोटी सिटीज़ होती है तो इंटीरियर सिटीज़ को भी कवर करता है। तो कवरेज के मामले में भी ठीक लग रहा है। फर्स्ट माइल पिकअप मतलब फर्स्ट माइल ऑपरेशंस विद इनोवेशन एंड ऑप्टिमाइजेशन ऑफ पिकअप एंड प्रोसेसिंग सर्विसेज अक्रॉस द कंट्री। फर्स्ट माइल का बेसिकली मतलब ये होता है कि जो जहाँ से पिकअप होता है ना, तो आपको ऑफिस में जाके उसको देना नहीं पड़ता है, एग्जैक्टली आपके डोरस्टेप पे आके पिकअप करते हैं, जो कि ज़्यादातर लॉजिस्टिक कंपनी आजकल डैशबोर्ड के तो कराती भी है। लास्ट माइल डिलीवरी का मतलब ये हुआ कि अगर उनके एग्जैक्ट डेस्टिनेशन सिटी, डेस्टिनेशन को हब जो ब्रांच है वहाँ तक पहुँच गया, तो वहाँ से भी आदमी आपके डोरस्टेप पे लेके आएगा, इसका मतलब लास्ट माइल डिलीवरी। ये भी चीज़ है, तो ऑलमोस्ट सब डिलीवरी सब लॉजिस्टिक डैशबोर्ड करती ही है। फुलफिलमेंट एंड वेयरहाउस, फुलफिलमेंट मतलब आपको अमेज़ॉन पे, जैसे कि फुलफिलमेंट में अमेज़ॉन FBA होता है और वेयरहाउस जैसे उनका स्टोरेज स्पेस होता है, फुलफिलमेंट मतलब आपको खुद सब पैकिंग करके बेचना नहीं पड़ेगा, डायरेक्टली उनके वेयरहाउस या स्टोरेज प्लेस से ही ये मामला निकलेगा। अगर कोई ऑर्डर आया तो बस उनके लेबल के मुताबिक, जैसे अमेज़ॉन पे कैसे लेबल डाल के, अगर आपको पता नहीं हो आपको चैनल पे वीडियो भी मिल जाएंगे, आप चेक कर लेना इस वीडियो के बाद, तो उसमें आपको अलग अलग लेबल के मुताबिक अलग अलग पैकेज पे पैक करके लेबल लगा के रखते हो, तो जैसे ऑर्डर आता है वो लेबल का वो करस्पॉन्डिंग पैकेज निकलता है, तो उसके मुताबिक आपको ना पैक करना पड़ता है ना वो लास्ट माइल पिकअप, फर्स्ट माइल पिकअप करना पड़ता है, मतलब कराना पड़ता है, आपको कोई आदमी आना नहीं पड़ता है, डायरेक्टली वहीं से निकल जाता है। और अगर आपके डिलीवरी सिटी के बाजू में वेयरहाउस हो तो और भी तुरंत निकल जाता है, दूर दूर का डिलीवरी भी इमीजिएटली निकल जाता है, डिपेंडिंग अपन आपने कौन सा वेयरहाउस या फुलफिलमेंट सेंटर आपने रजिस्टर किया हो, तो काफ़ी प्रोसेस फास्ट हो जाता है और इमीजिएटली भी हो सकता है, चाहे वो बायर आपका दूर भी हो तो भी उसको जल्दी मिल जाएगा, तो एक कस्टमर सेटिस्फेक्शन बिल ज़्यादा हो जाता है और आपको अपना स्पेस ऑक्यूपाई नहीं करना पड़ता है, लेकिन उनको आपको रेंटल चार्जेस देना पड़ेगा इस कुरियर कंपनी को। इसको कहते हैं फुलफिलमेंट एंड वेयरहाउस। मिड माइल ट्रकिंग की लेवरेजिंग और इन हाउस एंड पार्टनर ट्रकिंग नेटवर्क्स वी ऑफर सीमलेस इंटर डिस्ट्रिक्ट मिड माइल सर्विसेज। लेवरेज मतलब वो लोग इस तरह स्केल ऊपर करते हैं कि मेरा मतलब स्केल करते हैं ताकि आपकी पैकेज है ना वो जल्दी से जल्दी पहुँचे, ताकि इनडायरेक्टली मतलब है कि कोई लॉन्ग टर्म नहीं ले पर एक शॉर्टकट से आपका पैकेज पहुंच जावे। क्रॉस बॉर्डर मतलब इंटरनेशनल भी वो लोग करते हैं। तो ये बेसिकली इसका ओवरव्यू है। E-Desh पैनल करके आप देख लेना इस वेबसाइट को, आपको कैसे लगती है मुझे भी बता देना, अगर आपने यूज़ किया तो भी अगर बता दो तो अच्छा रहेगा, नहीं किया तो भी आप बता देना। बिकम मर्चेंट का एक ऑप्शन है, इसको मैं क्लिक करता हूँ तो बिकम मर्चेंट के देखो ये उनका अलग फॉर्म खिलते हैं, कंपनी नेम, कॉन्टैक्ट पर्सन नेम, ईमेल, मोबाइल फ़ोन, पिकअप लोकेशन, वेबसाइट, बैंक अकाउंट नंबर, बैंक अकाउंट नेम, बैंक नेम, ब्रांच नेम करके आप सबमिट कर दो करना होता है। बेसिकली सब डैशबोर्ड पे, प्लस शायद आगे जाकर लोग KYC पूछेंगे। मैंने रजिस्टर नहीं किया है लेकिन मैंने काफ़ी सुना है इसके बारे में, पॉपुलर है तो, लेकिन पता नहीं पॉपुलर होते हुए वो कितना रेप्यूटेड या कितना उसकी क्वालिटी है वो पता नहीं मुझे। तो फ्रेंड्स ये तो दो डैशबोर्ड आपको होपफुली आपको पसंद आया तो नीचे लाइक कमेंट शेयर करना, ये तीन चीज़ें आपको करके ही जानी है, याद रखना, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, और अपने दोस्तों को भी साथ शेयर कर देना, सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स अ लॉट ये वीडियो देखने के लिए।